अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रही है आलू की भुजिया। बहुत आसान है, बहुत इंतहाई सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मेरे पास 1.5 किलो आलू है जिनको मैंने थिनली स्लाइस कर लिया, बहुत छोटा छोटा इनको मैंने काट लिया ताकि जल्दी गल जाएं। इसके अलावा मेरे पास हसबे जायका नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून हमारे पास जीरा है। इसके अलावा मैंने एक वोक में ऑयल रख दिया है डीप फ्राई होने के लिए। अभी हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने काफी सारा ऑयल रख दिया क्योंकि हमने आलूओं को डीप फ्राई कर दिया। ये ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है और इसमें अभी हम अपने आलू डाल के उनको डीप फ्राई करेंगे। ज्यादा ऑयल से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि जैसे इन पे कलर आ जाएगा तो फिर ये सारा एक्सेस ऑयल मैं रिमूव कर दूंगी। ये मैंने इसमें आलू डाल दिया, अभी हम इनको तेज आंच पे ही डीप फ्राई करेंगे क्योंकि अभी हमने इनको गलाना वगैरह नहीं है, सिर्फ कलर देना है। ये देखें जी, इन पे हल्का सा कलर आ गया, बस हमने इनको हल्का सा कलर देना था। अब आपकी मर्जी है, या तो आप इसमें से एक्सेस ऑयल निकाल दें या आप ये आलू निकाल के किसी और वॉक में शिफ्ट कर लें। अभी मैं इनको निकालूंगी और दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी। इसका सारा एक्सेस ऑयल मैंने इसमें से निकाल दिया, अब इसमें सिर्फ आलू रह गए या सिर्फ 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल रह गया, इसके अलावा बाकी ऑयल सारा इसमें निकाल दिया। अब इस स्टेज पे हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। सारे स्पाइसेस तो कुछ है ही नहीं, बस नमक है, लाल मिर्च पाउडर है और हमारा जीरा है। ये सब स्पाइसेस मैंने इसलिए भी उस ऑयल में नहीं डाले थे ताकि वो हमारा ऑयल ख़राब ना हो और हम उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। अभी आपने इसको तेज आंच पे ही इन स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करना है। ये सारे स्पाइसेस इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी, तकरीबन 50 ml, बस नॉट मोर देन दैट, बस ये हमने डालना है और इसको हल्का सा हमने मिक्स करना है बस। और उसके बाद हम इस पे लिड रख के इसको बिल्कुल दम वाली आंच कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको दम दे दिया और हमने आंच इसकी बिल्कुल दम वाली कर दिया। ओकेजनली हम इसको स्टर करते रहेंगे जब तक ये गल ना जाए। ये हमारी इंतहाई सिंपल आलू की भुजिया बिल्कुल रेडी है। गल चुके हैं आलू बिल्कुल, इन पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अभी हम इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी आलू की भुजिया का फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसको रोटी के साथ सर्व करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।